नमस्कार, मैं पूजा झा और आप देख रहे हैं लाइव खबर। आइए एक नजर डालते हैं यूपी की पांच बड़ी खबरों पर। औरैया जिले के औरैया कोतवाली परिसर में सजा काट रहा एक कैदी बड़े ही मजे से पुलिस वालों के सामने ही आराम से दम खींचता हुआ दिखाई दिया, और हद तो तब हो गई जब पुलिस वाले उसे ऐसा करते हुए रोकने के बजाय हंसते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसे रोकने का कष्ट तक नहीं उठाया। वहीं जब इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक से बात की गई, तो उन्होंने इसे लापरवाही बताते हुए इसकी जांच कराने की बात कही है। देखिए, ये गलत है, जो दुर्घटना निश्चित चेत होता है, और इस तरह के जो आप देख रहे हैं इसकी हम जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में एक युवक को यूपी 100 पर शिकायत करना इतना महंगा पड़ गया कि पुलिस ने शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पीड़ित युवक का आरोप है कि खटीक टोला मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिसकी सूचना उसने यूपी 100 को दी, जिसके बाद बेलवा घाट पुलिस चौकी के दरोगा मौके पर पहुंचे और उसी को गिरफ्तार कर थाने ले आए, जहाँ दरोगा ने उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद युवक ने इस मामले की शिकायत थाना अध्यक्ष से की, लेकिन युवक का थाना अध्यक्ष शिकायत करना वहां के मुंशी को नागवार गुजरा और उसने बदला लेने के लिए पीड़ित युवक के भाई के हाथ में निडल घोंप दी, जिससे उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया। आनन फानन में परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं परिजनों को पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने के बावजूद न्याय न मिलने पर उन्होंने कोर्ट में शिकायत की, जिस पर कोर्ट ने 5 पुलिस कर्मी और 2 दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे थे लोग, हमने सो हम अपने रूम में पढ़ रहे थे, और दो पक्ष एकदम मारपीट इतना जानलेवा कर रहे थे कि हमने 100 नंबर पर डायल किया। उन लोगों का मार हम लोग को देखा नहीं गया, तो हमने 100 नंबर पर कॉल किया, 100 नंबर वाले आए, मुझसे पूछे कि बेटे कहाँ पर आए, तो ईदगाह पर खड़े थे, पूछे कि रास्ता बताओ बेटे, तो मैंने लोकेशन बताया, कहे कि बाहर आओ, तो हमने बाहर आया, तो 100 नंबर वाले कहे कि बेटे बाहर आओ, हम आ रहे हैं। हमारे वो लोग आने ही वाले थे, तब तक बेलवा घाट पुलिस चौकी वाले यहाँ मौजूद थे, वो लोग हम ही को मुजरिम समझकर पीटते मारते पीटते वे ले गए। मथुरा में वृंदावन पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उस आयशर टैंकर को भी कब्जे में लिया, जिसमें आरोपी शराब की तस्करी कर रहे थे। बता दें कि आरोपी अरुणाचल प्रदेश से शराब की तस्करी कर यूपी के कई हिस्सों में पहुंचाया करते थे। वहीं एसपी सिटी के मुताबिक आरोपियों के पास से 900 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फरुखाबाद के सातनपुर मंडी में एक युवक की बिजली के चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल युवक शौच जाने के लिए मंडी पर बनी दीवार पर चढ़ रहा था, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे लटक रही हाई टेंशन लाइन की तार पर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से युवक बुरी तरह झुलस गया। वहीं आनन फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि इस झूलती हाई टेंशन लाइन की शिकायत कई बार बिजली अधिकारी से की जा चुकी है, लेकिन बिजली कर्मचारी से लेकर किसी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं मृतक के परिजन इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने कोतवाली पहुंचे। ये मंडी के बाउंड्री के पास 11 लाइन की तार निकली हुई, जो पहले से सूचना भी दी गई बिजली विभाग को, तो तार वो था वो नीचे लटक गई थी, और जो कल आंधी आई तो वो और लटक गया नीचे, तो वहाँ पे पहले वो मेरे दुकान पे आया आनंद यादव, उसके बाद वो शौच के लिए गया, तो वहाँ पे अंधेरा था, करीब 4:30-5 बजे का टाइम था, तो वो शौच के लिए उठा या पहले से चपक गया पता नहीं, तो वहाँ पे 2 लोग और मौजूद थे, एक दुर्विजय यादव और वेदराम यादव, उन लोगों ने मुझे सूचना दिया कि मैंने तब देखा जाके तो वो चपके हुए पड़े हुए थे, उठा के फिर यहाँ लोहिया अस्पताल में लेके आया। फतेहपुर जिले के चौफेरवा गांव में एक होटल मालिक के बेटे पर कुछ अज्ञात लोग कढ़ाई का खौलता तेल डालकर फरार हो गए, जिसमें होटल मालिक का बेटा गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं बेटे को बचाने के चक्कर में उसकी मां भी झुलस गई, जिनको आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित संदीप का आरोप है कि उसकी दुकान पर कुछ लोग चोरी का मोबाइल बेचने आए थे, जिसको लेने से मना करने पर इन लोगों ने उनके साथ गाली गलौच और मारपीट की और बाद में खौलता तेल डालकर फरार हो गए। वहीं इस बारे में पुलिस अधीक्षक राहुल राज ने बताया कि होटल में
नाश्ता पानी करने आए कुछ लोग भूलवश अपना मोबाइल होटल पर ही छोड़ गए थे और दोबारा अपना मोबाइल लेने आने पर होटल मालिक से उनका विवाद हो गया, जिस पर गुस्से में आकर उन लोगों ने होटल मालिक के बेटे पर तेल डाल दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर लेकर केस दर्ज कर लिया है और कार्यवाही शुरू कर दी है। चौखरवा में जहां पर कि एक समोसे चाय की दुकान वाले के कुछ लोग सुबह गए हैं नाश्ता पानी करने, उसके बाद उनका मोबाइल छूट गया था तो पुनः गए हैं अपने मोबाइल के बारे में बातचीत करने, जिसमें दोनों पक्षों की बात हुआ। विवाद के दौरान जो संज्ञान में आया है कि वहां पर दुकान पर कड़ाही में तेल था, उस तेल पर कड़ाही पर लोग गिर गए दोनों पक्षों में और चार लोग इसमें घायल हुए हैं, जले हैं और इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। स्थिति ठीक है, कोई बहुत गंभीर नहीं है। इनके दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर। नमस्कार।